बोलिए कान्हा जी महाराज की जय। आज की हमारे आर्टिस्ट ग्रो के नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आज हम जा रहे हैं नियर होशियारपुर आदमपुर, क्योंकि आज हमारा है लाइव डिवोशन जन्माष्टमी स्टेज। तो आज आदमपुर में अपनी बहुत ही प्यारी स्टेज सजाएंगे जन्माष्टमी के, और जन्माष्टमी के सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरे भारतवासियों को और जितने भी प्यार करते हैं। ऑफिशियली शीश वासुदेव रेडी हो चुके हैं अपने झांकी ग्रुप को लेकर और बहुत ही एक्साइटेड है अपने इस जन्माष्टमी इवेंट को लेकर। और जो जन्माष्टमी इवेंट है इस बार हमारे शहर से बाहर है, गुरैया से बाहर जा रहे हैं, और बहुत ही प्यारा बहुत ही बड़ा विशाल स्टेज मिला है। तो गाड़ी हमारी स्टार्ट हो चुकी है, और गाड़ी में ऑल ऑफ जो आर्टिस्ट हैं 6 से 7 आर्टिस्ट हैं, और 6 से 7 आर्टिस्ट हम बहुत ही होते हैं अपने किसी भी इवेंट को लेकर, चाहे वो बड़ा स्टेज है चाहे वो छोटा स्टेज है। और एक बार गाड़ी की स्पीड चेक करो, इस बार जो हमारा ड्राइवर है बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही उम्दा ड्राइवर है, हो सके तो आगे जाके मिलाने की कोशिश करूँगा। एक बार स्पीड चेक करो, और मौसम बहुत ही बेहतरीन मौसम है, और मौसम के अकॉर्डिंग आज हम बहुत ही एक्साइटेड हैं अपनी जन्माष्टमी लाइव स्टेज के लिए। और मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, आपका दोस्त होस्ट यूट्यूबर आर्टिस्ट मीशू। और ऑफिशियली हमारे आशीष वासुदेव की टीम रेडी है आज अपनी जो क्रू को लेकर जन्माष्टमी इवेंट के लिए। और हमारे साथ है आज लुधियाना से इशू झांकी आर्टिस्ट, जो बहुत ही बेहतरीन झांकी करते हैं, और सबसे पहले वहाँ पे जाके अपना स्टेज देखेंगे, और उसके बाद अपना मेकअप और ड्रेसअप जो रूम है उसमें जाएंगे। और हमारे ऑफिशियली आशीष वासुदेव बहुत एक्साइटेड हैं, और देखते हैं वहाँ पे जाके कैसा माहौल है और कैसा हमारा आज का जो स्टेज है। और इसी के साथ ही हमारे जो आर्टिस्ट कलाकार हैं आर्टिस्ट शिबू जी, और आज हमारे साथ छोटे से कान्हा जी आए हैं, उनको भी रेडी करेंगे आर्टिस्ट सचिन, और बाकी जो पूरे आर्टिस्ट हैं बिल्कुल रेडी हैं। और ऑफिशियली भोले बाबा जी को प्रणाम करते हुए हमारे ऑफिशियली आर्टिस्ट सूरज भाई के 10K सब्सक्राइबर होने वाले हैं, जाके चैनल विजिट ज़रूर करें जाके। तो फाइनली 1.5 घंटे के बाद हम अपने लोकेशन पे पहुंच चुके हैं आदमपुर शहर में। बहुत ही प्यारा शहर है, और मंदिर का जो हॉल है हमारी झांकियां सजाने के लिए हमको मिल चुका है। और ऑफिशियली जो हमारे कलाकार हैं आर्टिस्ट हैं तैयार हो रहे हैं, और आर्टिस्ट सूरज भी आज कान्हा जी का बहुत ही प्यारा एक्ट करेंगे, रासलीला करेंगे, और कान्हा जी के बहुत ही सुंदर सुंदर दृश्य आज आदमपुर सिटी में। और ऑल ऑफ जो आर्टिस्ट हैं कलाकार हैं अपना जो झांकी सेटअप है और अपना जो झांकी मेकअप है कर रहे हैं। और इसी के साथ ही ये जो मंदिर है आदमपुर में, इस मंदिर का बहुत ही प्यारा नाम है नाथ की कुटिया, और गांधीनगर और बाहर ये जो स्टेज है अभी देख सकते हो और हमारा सज चुका है, और मंदिर में तैयारी चल रही है। और इसी के साथ ही यहाँ पे जो नाथ की कुटिया है, जब मैं मंदिर के अंदर गया माथा टेकने के लिए, बहुत ही प्यारा उन्हें मंदिर सजाया था। और आधे घंटे बाद हमारी सुंदर सुंदर झांकियाँ स्टेज पे पहुँच जाएगी, अपना जो सुंदर सुंदर दृश्य है कान्हा जी महाराज जी के हम। और इसी के साथ ही अगर आप झांकी लवर हो और झांकी का काम करते हो, तो अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और जितने भी झांकी काम को प्यार करते हैं और झांकी के काम से अपना घर चलाते हैं। और इसी के साथ ही हमारी ऐसी और नई नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और इसी के साथ ही आज हमारे ऑफिशियली आर्टिस्ट सैम जी वासुदेव जी का एक्ट करेंगे, और जो हमारे आर्टिस्ट शिबू हैं वो सुधामा जी का एक्ट करेंगे। तो बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन एक्ट आज हम इस, और इसी के साथ ही आज जो हमारा झांकी सेटअप है उसको करने में 1 से 1.5 घंटा लग जाता है, और 1 से 1.5 घंटे में हमारे झांकी आर्टिस्ट कलाकार तैयार हो जाते हैं अपने सुंदर सुंदर सब रूप में। और आज हम नया ड्रेसअप पहनने वाले हैं, और आर्टिस्ट सैम जी अपनी वासुदेव झांकी के लिए तैयार हो रहे हैं। और सबसे पहला जो झांकी हमारा दृश्य है कान्हा जी महाराज जी का जन्म दृश्य है, और उसकी तैयारी आज आर्टिस्ट सैम कर रहे हैं। और इसी के साथ ही आधे घंटे तक हमारा जो स्टेज स्टार्ट हो जाएगा, और स्टेज स्टार्ट करने से पहले गणपति जी महाराज जी का आगमन होगा, और उसके बाद बहुत ही सुंदर सुंदर झांकियां। और जो इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट है मैं बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूंगा अपने इस चैनल पे। और वीडियो में अगर आपको कोई भी बात पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना। बोलिए शंकर भगवान की जय।